खबर उज्जैन के नागदा से है, जहां पर नागदा नगर पालिका के लोक निर्माण विभाग के सभापति एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक महिला को अभद्र भाषा का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वर्तमान पार्षद का लड़का बीच रोड पर गाड़ी खड़ी करके धुलाई कर रहा था। इसी दौरान जब पीड़ित महिला ने बीच रोड में गाड़ी खड़ी करने का विरोध किया तो पार्षद लड़के से मारपीट करने पर उतर आया। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब नगर पालिका के लोक निर्माण विभाग के सभापति ने महिला के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया। वहीं पीड़ित महिला का आरोप ये है कि उसने मामले की शिकायत मंडी थाने में कराने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुबोध स्वामी का ये कहना है कि किसी को भी किसी महिला के खिलाफ अभद्र भाषा बोलने का अधिकार नहीं है। जो छोटा सा क्लिप है, जो संस्कार परिलक्षित कर रहे हैं, वो अपने बातों के माध्यम से, अपनी अभद्रता के माध्यम से, उस पर उनकी राय जरूर जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है। अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला आपके पास किसी काम को लेकर आ रही है और अगर आप वो काम नहीं कर पा रहे हो और उसके बदले में उसके साथ में अभद्रता करोगे, तो ये कहाँ तक उचित है? वो भले फिर किसी भी पार्टी का हो, बोले कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, वो बर्दाश्त नहीं होगा और नहीं करना चाहिए। उसका लड़का और उसकी मदर वगैरह सब जो थे अभद्र बोलने लगे, गाली कुछ करने लगे और मेरे साथ हाथापाई करने की कोशिश करी। और मुझे मतलब इवन ये हुआ कि उनको दिखा कि सामने सामने इतना बोल रही है, ना मेरे पद का देख रही है, ना मेरे समाज का देख रही है, तो मेरे साथ में उन्होंने मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाने चालू कर दिए। जबकि जैसा ऐसा कोई मैटर ही नहीं है कि मैं किसी भी विषय में हूँ, मैं मेरी नौकरी करती हूँ, मेरा एक बालक की गाड़ी चलाता है। फिर भी मैं सुबह कंप्लेन लिखाने आई थी, फिर मैंने सोचा कि रहने दो, मोहल्ले का काम मैटर है, बच्चों की लड़ाई क्या लड़ वो करना। लेकिन फिर भी उसके बाद दो बार जब गाड़ी लेकर मेरा बालक निकला तो गौरव ने उसको रोक के बोला कि तू कहीं दिख मत जाना, तेरे हाथ पर तोड़ दूंगा मैं।